जीवन की कठिनाइयों से प्यार करना सीखे। किसी ने बहुत ही इतनी सुंदर बात कही है कि कामयाबी के सफर में मुश्किलें बहुत काम आए, अगर मुसीबतें ना होती तो हम कब के सो चुके होते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक लेकर आया हूँ एक छोटी सी प्रेरक कहानी जो मेरे और आपके जीवन को एक सच्ची राह दिखाएगी। आइए सुनते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो अपने नाना के घर कुछ दिन छुट्टियों में रुकने गया था। एक दिन बच्चा नाना से सवाल पूछता है कि नाना, हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है कि महान लोग थे, उस महान लोगों ने ऐसा क्या किया जो वह महान बन गए। नाना ने कहा कि बेटा, आज हम दोनों मार्केट जाएंगे और दो छोटे छोटे पौधे लेकर आएंगे। वह दोनों शाम को मार्केट गए और दो पौधे लेकर आए। उन पौधे में से नाना ने एक पौधा गमले में लगाया और उसे घर में रख दिया। दूसरा पौधे को बाहर धूप में लगा दिया। इसके बाद नाना जी ने उस छोटे से बच्चे से पूछा, बताओ इन दोनों में से कौन सा पौधा महान बनेगा। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि नाना जी, जो पौधा हमने घर के अंदर बोया है ना, वह पौधा महान बनेगा और बड़ा भी बनेगा, क्योंकि उस पौधे को कभी धूप नहीं लगेगी, उसको कभी बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको कभी आंधी या तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद बच्चा वापस अपने मम्मी पापा के साथ घर चला गया और एक साल के बाद वापस अपने नाना के घर आया। और आते ही उसने अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी, कुछ लोग महान कैसे कहलाते हैं। नाना ने उससे कहा कि जाओ, जाकर उस दो पौधे को देख कर आओ जो पौधे हमने एक साल पहले लगाए थे। वह बच्चा दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और लगाए हुए पौधे को देखने लगा, जो पौधा बहुत ही अच्छा और हेल्थी था। फिर आकर उसने नाना जी से कहा कि नाना जी, मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा महान बनेगा ये पौधा। नाना जी ने कहा, जाओ पहले बाहर वाले पौधे को तो देख कर आओ। वह छोटा बच्चा बाहर की ओर गया और वहाँ देखता है तो उसे वहाँ कोई पौधा नहीं दिखाई दिया। अचानक उसकी नजर एक बड़े से पेड़ पर जाती है। उसे आश्चर्य होता है और उसी आश्चर्य के साथ वो नाना जी के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि नाना जी, ये कैसे हो सकता है, वो पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया। नाना जी ने उससे कहा, बेटा घर के अंदर जो पौधा था उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आई, और जो पौधा बाहर था उसके ऊपर धूप भी आई, आंधी और बारिश भी आई, लेकिन वो फिर भी अड़ग खड़ा रहा और महान बन गया। दोस्तों, मैं और आप भी हमेशा सोचते रहते हैं कि जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, जीवन में कभी कोई मुश्किली नहीं आनी चाहिए। परंतु एक बार एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें कि क्या जीवन में कोई मुसीबत नहीं आती है तो जीवन सुखमय हो सकता है। उस एक दिन के पूरे विश्लेषण को जीवन भर याद रखिए, तब शायद आपको अपने जीवन की मुसीबतों से भी प्यार होने लगेगा। धन्यवाद।